राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन के कार्यक्रम के बारे में अधिसूचना जारी कर दी थी तथा अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद के लिए सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से विभाग द्वारा कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 11 पदों के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं जिसमें वार्ड सदस्य तथा उप प्रधान के लिए होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन के कार्यक्रम के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है तथा अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद के लिए सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से विभाग द्वारा कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 11 पदों के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं जिसमें 12 सदस्यों तथा उप प्रधान के लिए होंगे। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि मतदान 17 को सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना उसी दिन शाम को पंचायत घरों में ARO के सामने की जाएगी तथा स्वारगाट की मतगणना 18 को की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग सही से करें तथा निष्पक्ष करें। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्था कर ली गई है। जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थानों में जो हमारे रिक्त पद हैं उनको भरने हेतु उपचुनाव दिनांक 17 नवम्बर 2019 को आयोजित किया जा रहा है, जिनमें 11 पद हैं जिनका विवरण जो है पंचायत समिति का 1 वार्ड, उप प्रधान के 2 रिक्त स्थान हैं और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के कुल 8 स्थान हैं। तो इस प्रकार 11 पदों को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी गई है और विस्तृत कार्यक्रम इस विषय में जारी कर दिया गया है। मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और सायं 3 बजे तक चलेगा। परिणाम उसी दिन पंचायत घर में, जो संबंधित पंचायत घर है वहाँ में मतगणना के उपरांत संबंधित ARO द्वारा घोषित किया जाएगा, परंतु पंचायत समिति स्वारघाट का जो माकड़ी वार्ड है उसके लिए मतगणना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट में 18 नवंबर को मतलब मतदान से अगले दिन प्रातः 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी और उसी दिन जो मतगणना के पश्चात परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं विनम्र अपील करता हूँ कि जो उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी हमारे समस्त मतदाता हैं कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। वो रविवार का दिन है, छुट्टी भी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध जो है प्रशासन द्वारा मुकम्मल कर लिए हैं।